नमस्कार, मेरा नाम सुमन कार और आप देख रहे हैं स्टडी फॉर आईक्यू, स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। बिहार पर अक्सर ध्यान राजनीतिक और विकास के मामले में पिछड़ेपन की खबर को लेकर जाता है, लेकिन बिहार का अपना समृद्ध गौरवशाली इतिहास रहा है। शिक्षा का केंद्र बिहार। प्राचीन काल में बिहार दुनिया भर के सीखने वाले के लिए शिक्षा का केंद्र था। पाटलिपुत्र भारतीय सभ्यता का गढ़ था, तो नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी। नालंदा लाइब्रेरी ईरान, कोरिया, जापान, चीन, फारस से लेकर ग्रीस तक के पढ़ने वाले के लिए आकर्षित करती थी। बख्तियार खिलजी की सेना ने इसमें आग लगा दी थी, जिसे बुझाने में 3 महीने लगे थे। फैक्ट नंबर 3, प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था बिहार। बिहार प्राचीन काल में मगध कहलाता था और इसकी राजधानी पटना का नाम पाटलिपुत्र था। मान्यता है कि बिहार शब्द की उत्पत्ति बौद्ध बिहार के बिहार शब्द से हुई, जो बाद में बिहार रह गया। आधुनिक समय में 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 4, भाषाएं और बोलियां। बिहार में कई भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। सबसे ज़्यादा लोग हिंदी बोलते समझते हैं। इसके अलावा भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां भी खूब प्रचलित हैं। ऑफिसों, बैंकों, शिक्षा स्थानों और कई प्राइवेट कंपनियों में अंग्रेजी भी बोली समझी जाती है। मैथिली में अच्छी खासी साहित्य रचनाएं हुई हैं। मैथिल कवि कोकिल कहे जाने वाले विद्यापति मैथिली के कवि और संस्कृत के बड़े विद्वान थे। फैक्ट नंबर 5, राज का इतिहास। बिहार में मौर्य, गुप्त जैसे राजवंशों और मुगल शासकों ने राज किया। 1912 में बंगाल की विभाजन के समय बिहार अस्तित्व में आया। फिर 1935 में उड़ीसा और 2000 में झारखंड बिहार से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बने। दुनिया का सबसे पहला गणराज्य बिहार में वैशाली को माना जाता है। भारत के 4 महानतम सम्राट समुद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य बिहार में ही हुए। फैक्ट नंबर 6, धर्म की जन्मस्थली। बौद्ध और जैन धर्म का उदय बिहार में हुआ। गौतम बुद्ध और महावीर के फैलाए अहिंसा के सिद्धांत की शुरुआत भी यही हुई मानी जाती है। इसके अलावा सिख धर्म की जड़ें भी बिहार से जुड़ी हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह पटना में जन्मे थे। फैक्ट नंबर 7, गणितज्ञों का राज्य है बिहार। बिहार के लोगों के बारे में जब भी बात आती है तो एक चीज़ ज़रूर आता है कि वह गणित में बहुत अच्छे होते हैं। इसका प्रमाण भी वो महान गणितज्ञ देता है, जिन्हें अपनी गणित के कारण न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आइंस्टीन को चुनौती देने वाला महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह भी बिहार से ही थे। उनका जन्म बिहार के भोजपुर जिले में एक छोटे से गाँव में हुआ था। आनंद कुमार, जो कि सुपर 30 नामक कोचिंग संचालित करते हैं, उन गरीब बच्चों के लिए जो आर्थिक तंगी के कारण IIT में जाने का सपना पूरा नहीं कर पाते हैं। 12 जुलाई 2019 को उन पर बनी एक फिल्म भी रिलीज हुई थी, जिसका नाम है सुपर 30। तो कैसा लगा बिहार के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स जान के, कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।